पुलिस ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दफ्तर से महज कुछ फरलांग की दूरी पर चल रहे एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। नवान्नों के पास एक होटल में काफी दिनों से जिस्म का कारोबार चल रहा था। पास में न सिर्फ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का दफ्तर है, बल्कि ममता बनर्जी सरकार के लगभग तमाम मंत्री नवान्नों में ही बैठते हैं। चीफ सेक्रेटरी से लेकर बंगाल पुलिस के डीजी समेत तमाम बड़े अफसरों का दफ्तर भी नवान्नों में ही है। इसके बावजूद अपराधियों को कोई डर नहीं था और वो बिना खौफ नवान्नों के पास एक होटल में सेक्स रैकेट चला रहे थे। मजे की बात यह है कि नवान्नों से ये होटल साफ नजर आता है। इसके बावजूद यहाँ काफी दिनों से जिस्म का नाजायज और गैर कानूनी धंधा धड़ल्ले से चल रहा था। आखिरकार अब जाकर पुलिस की नींद टूटी और उसने होटल क्वेस्ट पर रेड मारा। पुलिस के साथ साथ रैफ के जवान भी रेड में शामिल थे। हावड़ा सिटी पुलिस के बड़े अफसरान इस रेड की निगरानी खुद ही कर रहे थे। रेड के दौरान होटल के कमरों में कई मर्द और नौजवान लड़कियों के साथ आपत्तिजनक हालत में पाए गए। पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया। अफसोस की बात यह है कि गिरफ्तार लड़कियों में से कुछ मुस्लिम लड़कियां भी हैं, जो बुर्का पहनकर अपने जिस्म का सौदा करने इस होटल में आती थीं। बिल्डिंग